अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट बिलाल और आज हम मौजूद हैं कढ़ाई बॉयज़ पे। मेरे भाई मुझसे बड़ा शिकवा करते हैं कि बिलाल भाई, जब से आप लोग फ़ास्ट फूड की तरफ गए हैं, आप और ज़िया हटते ही नहीं हैं फ़ास्ट फूड से, और हमें कोई देसी चीज़ दिखाया करें। यार मैं भी और ज़िया भी सोच में पड़ जाते हैं, यार ऐसा क्या देसी आपको दिखाएं कि आप लोगों की क्रेविंग भी पूरी हो जाए। तो पहले हमने सोचा कि शनवारी दुम्बो की तरफ चलते हैं, तो इसने ज़िया ने कहा नहीं, इस्लामाबाद में कहीं से शनवारी दुम्बे नहीं खाने हैं, तो हमने जाके जो है ना पेशावर से खाने हैं। तो मैंने सोचा नहीं, ऐसी बात नहीं है, कढ़ाई बॉयज़ का बड़ा नाम सुना था, इसको ट्राई करते हैं, इसके रेट्स को भी देखेंगे और इसके खाने को भी देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओवरऑल फर्स्ट वाइब यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है, एक बड़ा अच्छा कूजी सा इन्वायरमेंट है, फैमिली इन्वायरमेंट है और फैमिलीज़ के साथ एक अच्छी स्पॉट है हैंग आउट करने के लिए, स्पेशली वीकेंड पे। अगर मेरे पीछे देखें तो यहाँ पे आपको जो है ना लाइव यहाँ पे बनता दिख रहा होता है, तो जो भूख है ना वो यहाँ पे आके वैसे ही बढ़ जाती है। यहाँ पे तिक्के लग रहे हैं और पीछे आते हैं तो यहीं पे ही आपके जो है फ्रेश नान भी लग रहे होते हैं। नानों के साथ अगर आते हैं तो यहाँ पे आपकी आंटी बन रही होती है। ये ले भैया, हमारी स्पेशल वाइट कढ़ाई बन रही है, यहाँ पे स्पाइसेस आपके सामने पड़ी हैं। चाचा क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? अच्छा, स्पाइसेस अपनी मर्जी की डलवा सकते हैं या आपने ही डालनी है उसकी? नहीं, आप अच्छा, अगर किसी ने तेज़ करवानी है, अच्छा स्पाइसी खानी है तो वो भी मर्जी से, नॉन स्पाइसी खानी है तो उसकी भी मर्जी है। चले यार, ये बड़ा बेस्ट सीन है, यहाँ पे आपको इस्लामाबाद के अंदर एक देसी इन्वायरमेंट मिलेगा, लेकिन मज़ा तब है चाचू जब इसका टेस्ट भी अच्छा हो। चाचू ने कहा टेस्ट अच्छा लगेगा, तो चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ, चलते हैं मेकिंग को एंजॉय करें, उसके बाद हम अपने खाने की तरफ आते हैं। हाँ तो भाई, ये हमारे गर्मा गर्म कढ़ाई आ गई है। कढ़ाई ज़रा चेक करें, इसकी यार मेकिंग इतनी स्पेशल थी ना कि हमारा दिल किया है कि यार इसको जो है ना इसकी मेकिंग भी आपको दिखाई जाए, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है ना हम इसमें अपने टेस्ट के ऊपर करेंगे। बड़ी स्पेशल किस्म की यार वाइब है यहाँ पर, आपको इस्लामाबाद के अंदर जो देसी वाइब यहाँ पर मिल गई है ना। अपनी प्लेट पहले बनाते हैं थोड़ी सी, फिर उसके बाद आपको दिखाएँगे। और यार ये आइडिया मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, बहुत कूल लगा है, जो नीचे इन्होंने कॉटन को आग लगाई हुई है ना, ये ज़रा अगर दिखा सकें तो यहाँ पे हमारी जो है ना ये साथ साथ गर्म हो रही है कढ़ाई, तो ये बड़े मज़े की चीज़ है। इसके साथ हमने क्या मंगवाया है, हमने अपने कबाब मंगवाए हैं। कबाब मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, कबाबों को तो वैसे शिदाई है ना। सती साहब, हमसे लोग गिला करते हैं कि बिलाल भाई, जब से आप लोग फ़ास्ट फूड की तरफ गए हैं ना, आपने देसी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, या पुलाव, सिर्फ़ और सिर्फ पुलाव के ऊपर होते हैं आप। तो यार ऐसा सीन नहीं है, हाँ पुलाव मुझे और ज़िया को पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए हम लोग उधर बड़ा ज़्यादा जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको फ्रेंडली और फैमिली प्लेसेस लाजमी दिखाया करूँगा, वीक में दो तो लाजमी, तो वो ये फैमिली स्पेस है, प्लेस है, आप इधर आ सकते हैं। इधर बड़ा अच्छा कूल वाइब है, अभी तक मैंने खाना नहीं ट्राई किया, लेकिन ओवरऑल इसका इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है। ज़रा अपने कबाब को ट्राई करते हैं और फिर बताते हैं कि कबाब कैसा लगा। बिस्मिल्लाह, छः कबाब आपको यहाँ पे मिलेंगे 1199 के, लेकिन जो कबाब मज़ेदार है ना, बहुत आला। तो इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं, यहाँ पे ज़रा नानों की प्रेजेंटेशन चेक करें। और आपके घर में अगर कोई मिनी पीस है 6 मंथ्स तक का, तो उसको आप इस पे बिठा भी सकते हैं बहुत सुकून से। नान बड़े गर्मा गर्म हमारे पास आए हैं, नानों को ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
सर साहब ज़रा क्लोज लें, मेरा मेरा ख्याल है कि चिकन को वैसे दिखा दिया जाए। चिकन वाइट कढ़ाई है इनकी, ये 1900 की फुल है, ये ज़रा चेक करें, क्या बात है, हाय हाय गरम है, लेकिन ट्राई लाजमी करेंगे। वाइट कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है इनकी, मैंने तो अभी तक इनकी और कोई चीज़ ट्राई नहीं की, लेकिन आप अगर इधर आते हैं तो इनकी वाइट कढ़ाई मस्ट है, ये आपने लाजमी मंगवानी है। हाय 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 हाय, लोकेशन मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ, F7D Joe's के बिल्कुल ऊपर, और बाहर भी इनकी ये सिटिंग है जैसे मैं बैठा हूँ, क्या बात है यार, कढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त है, ये क्या चेक करें। सबसे मज़े की बात यह है कि आउटडोर है तो आप अपनी मर्ज़ी से ख़ुद भी बनवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की स्पाइसेस ऐड करवा सकते हैं, कितनी करनी है। बड़ी ज़बरदस्त यार, अगर मैं आपको पीछे दिखा सकूं, फैमिलीज हैं ज़रा ध्यान से, पीछे आपका मैच लगा हुआ है, इसके पीछे आपकी एक फाउंटेन है, वहाँ पे फैमिलीज बैठी हैं वहाँ पे नहीं, और उसके बिल्कुल बीचों बीच आपका भाई बिलाल बैठा हुआ है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा यहाँ का बड़ा अच्छा रहा है, प्राइस F7 के हिसाब से ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिफरेंट डाइनिंग किए हुए हैं, और बड़ी थकी थकी प्लेसेस पे भी आपको यही प्राइसेस मिलती हैं, और यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कूजी इन्वायरमेंट है फैमिली के लिए स्पेशली। तो मैंने तो सोच लिया कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो फैमिली को भी लाजमी लेके आऊँगा, ज़्यादा भी वैसे मेरी फैमिली है, लेकिन ये ज़रा खाने पीने की तरफ ज़्यादा है, नेक्स्ट टाइम अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आऊँगा, कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आपसे यहीं पे मेरी एक दफ़ा मुलाकात हो, या प्लान करते हैं यार कुछ को मीटअप के बारे में प्लान करते हैं, कहीं हमारे दोस्त हैं जो कहते हैं बिलाल भी कुछ खिला दें, यहाँ पे खाना बनता है यार, एक दफ़ा तो लाजमी बनता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, या हो सकता है नेक्स्ट मीटअप पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।